अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन से मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएं जिसपे आप ये बताएं कि आप किस वॉलेट से क्रिप्टो कॉइन ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं, कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है, फ़ी कितनी लगती है, ये सारे आप हमें स्टेप्स बताएं। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपको ये पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, वरना हो सकता है कि आप नेटवर्क गलत सिलेक्ट कर ले या कोई भी स्टेप अगर आप गलत करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो फंड्स हैं वो यहाँ पे लॉस हो जाए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं ओकेस वॉलेट की एप्लीकेशन पे और वहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं यूएसडीटी ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन पे। तो ये मैंने अपने पास ओकेस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, जिससे कि आपको पता है कि ओकेस वॉलेट भी ओकेस एक्सचेंज के अंदर ही है, जिसपे हमने सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। हमने बताया था कि ओकेस वॉलेट क्या होता है, उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टोकन्स को बाय कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें बारीकी से मैंने एक एक वीडियो में बताई हुई है। वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं ओकेस वॉलेट पे। ओकेस वॉलेट पे जाने के लिए आपको जहाँ पे प्रेस करना होगा वॉलेट पे, ये ऊपर देखें, वॉलेट के बटन को प्रेस करें और यहाँ पे देखें कीलेस वॉलेट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। $11.18 मेरे पास पड़े हुए हैं। कौन से कॉइन्स पे पड़े हुए हैं, अगर TRX पे देखें तो 7 USDT मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर USDT में देखें तकरीबन $4 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इन 4 USDT को मैं ट्रस्ट वॉलेट पे सेंड करूँगा। सेंड करने के लिए यहाँ पे देखें ऊपर बटन बना हुआ सेंड रिसीव स्कैन, तो यहाँ पे आपको करना होगा सेंड। अच्छा, कॉइन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जिस नेटवर्क का आपके पास कॉइन होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है USDT ट्रोन नेटवर्क का है, तो ट्रोन नेटवर्क का जो कॉइन है वो है TRX। तो जो फी आपको देनी होगी वो आपको TRX में देनी होगी, जो पे मेरे पास यहाँ पे देखें तकरीबन 57 TRX पड़े हुए। अगर आपके पास यहाँ पे BP20 में है तो आपको फ़ी देनी होगी BNB में, तो कुछ BNB आपको चाहिए होंगे। अब ये BNB TRX यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो मेरी आप वीडियो देख लें कि बाइनेंस से ओकेस वॉलेट कैसे करते हैं। तो बाइनेंस एक्सचेंज से सबसे पहले यहाँ पे आप फ़ी के लिए ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक स्टेप तो आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉइन सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं करता हूँ USDT, ठीक है। USDT करने के बाद यह आपको बोल रहा है कि एंटर ए वॉलेट एड्रेस। अब एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन से। चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन पे। तो ये मैंने अपने पास ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, काफ़ी सारे कॉइन्स मैंने यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा रिसीव में। रिसीव में आने के बाद आपको वो कॉइन सिलेक्ट करना होगा जिस नेटवर्क का कॉइन आप सेंड कर रहे हैं ओकेस वॉलेट से, ठीक है। हमारे पास USDT था ट्रोन नेटवर्क का, तो हमें वो यहाँ पे भी वो सिलेक्ट करना होगा USDT। देखें USDT आ गया, ये सबसे पहले ट्रोन नेटवर्क, BNB स्मार्ट चेन भी है, सोलाना भी है, इथेरियम भी है, जिस भी नेटवर्क का कॉइन होगा वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास अभी USDT पड़े हुए हैं ट्रोन नेटवर्क पे, तो मैं यहाँ पे करूँगा ट्रोन को सिलेक्ट। वो ये देखें मुझे एड्रेस मिल गया, इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है USDT TRC20, तो TRC20 ट्रोन सेम ही बात है। आ जाए यहाँ पे ओकेस वॉलेट पे, पेस्ट करें एड्रेस को, कन्फर्म करें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कितने USDT करने हैं, मैं बोलता हूँ मैक्सिमम भाई जितने भी अवेलेबल हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कंफर्म पेज आ गया, उसके 4 USDT यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट तकरीबन 3.99 USDT है, और फ्रॉम इस एड्रेस से होंगे जो कि मेरा वॉलेट है, इस एड्रेस पे ट्रेन होंगे, और फी जो मुझे लगेगी वो ट्रोन में लगेगी तकरीबन 1.67। अगर आपके पास ट्रोन नहीं होंगे या नेटवर्क का कॉइन नहीं होगा जिसकी फ़ी आपको देनी होगी, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो ट्रांसफ़र करने होंगे, उसके बाद ही यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे किसी भी वॉलेट पे, किसी भी एक्सचेंज पे, ठीक है। यहाँ पे करें कंफर्म, थंब वेरिफिकेशन आ गई मेरे पास, हो सकता है आपके पास ईमेल पे कोड आए। ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे सबमिट हो गई है। ट्रांजेक्शन को देखने के लिए यहाँ पे आ जाएं आप USDT पे, और ये देख सेंड हो रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रही है। सेंड पर प्रेस करें, ये देखें पेंडिंग में ट्रांजेक्शन है, जो कि कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सबसे पहले कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। कुछ ही मिनट लगते हैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में, क्योंकि TRC नेटवर्क हमारा है और ट्रस्ट वॉलेट से मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया रिसीव 4 USDT। इसको ओपन करते हैं, ये आगे हम डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन पर, और ये देखें 4 USDT हमें यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। इसको अगर बैक करें, मैं आपको दिखाता हूँ USDT में आके, ये USDT है ट्रोन नेटवर्क। कुछ USDT मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए थे, ये देखें रिसीव हो +4 USDT, तकरीबन 1 मिनट लगा, या 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा और हमारे USDT यहाँ पे रिसीव हो गए।
और किस वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी स्टेप समझ नहीं आए, कहीं पर भी मसला आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।